हमारे साथ है बीजेपी के सांसद राजू प्रताप रूडी। 370 को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसको कैसे देखते हैं आप? उच्चतम न्यायालय के खंडपीठ का निर्णय ऐतिहासिक है और वो उसी क्रम में है जो देश की सरकार ने 2019 में आर्टिकल 370 देश को एक करने के लिए जो निर्णय जम्मू कश्मीर में लिया था उस निर्णय को दोहराया है। और मैं समझता हूं कि खंडपीठ के इस निर्णय के पश्चात कोई विषय ही नहीं बचेगा जो इस विमर्श योग्य होगा और मैं समझता हूं कि देश के इतिहास में उच्चतम न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है। जब 370 जब हटाया जा रहा था तो इसी संसद में कई सारे विपक्षी लोगों ने सवाल खड़े किया था कि संविधान का आप लोग बुलडोज कर रहे हैं कई। देखिए वो सब वो विषय पर हम नहीं जाएंगे, देश हित में और मैं समझता हूँ कि देश के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो निर्णय भारत की सरकार ने लिया उस पहल को, देश की सरकार के उस पहल को उच्चतम न्यायालय ने आज मुहर लगा दिया। बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी, संसद भवन से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।